दोस्तों और एक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं शेखर इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल को। तो हम लोग ने एक बोर्ड का प्रॉब्लम आपको दिखाए थे, जो बोर्ड अंदर घुस गया है टाइल्स के अंदर, उसी को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करके सॉल्व करेंगे वही चीज़ आज हम उनको दिखाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो देख सकते हैं ये बोर्ड है, ये अंदर घुसा हुआ था। हम लोग इसको साइड से हल्का हल्का पेचकस से मार के तोड़ के निकाल दिए हैं। सबसे पहले बोर्ड को तो हम लोग निकाल दिए हैं, देख सकते हैं। और ये भी देख देख के निकालना होता है, जिससे कि ये टाली क्रैक ना हो जाए, यहाँ बीच में मसाला नहीं है, गैप है। तो सब बोर्ड को हम लोगों ने पहले खोल दिए हैं। ये बोर्ड को भी देखिए हम लोग खोल दिए हैं, ये कितना गैप है। ये अगर ऊपर से लगता तो टाली भी और इतना ऊपर उठ सकता था, इधर इधर आ सकता था, लेकिन अभी ये बना दिया, अब हम लोग को इसको कवर करना होगा। तो हम लोग जिसको कवर करेंगे सनमाइका लगा के करेंगे। देखिए ये वाला भी एक तो देख सकते हैं कि अंदर, इसको पहले खोल के हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ मोटर का स्टार्टर लगेगा, इसको निकाल लेंगे। बोर्ड खोलना नहीं है, हम लोगों को बोर्ड खोलना नहीं है, बोर्ड को ऐसे ही लगाएंगे। ये जो है हो गया हम लोग का सनमाइका सीट, इसको हम लोगों ने यह मार्क कर लिए हैं। हम लोग देख सकते हैं इतना नीचे और ऊपर इतना रख के यहाँ से कट हो जाएगा। इसके बाद ये जो सनमाइका है हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा करके इसको भी कट कर दिए जाएंगे। कट करने के बाद इसका जो बीच में है हम लोगों जो बोर्ड है, बोर्ड को सेंटर नाप से हम लोगों कटिंग करेंगे। यहाँ से कटिंग करके इसके बाद इसको सीट को उसमें टाइट करेंगे, इसके बाद इसको लगाएंगे। तो वही सब हम लोग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो बोर्ड खोल दिए, अब इसको हम लोग कटिंग करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, और आप लोगों का पास कोई दूसरा दिमाग है करने का तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका एक तो पहला इससे हो सकता है, दूसरा अगर आप ये टाली इस तरफ का बदल देंगे तो हो सकता है, और एक तो तीसरा है आप इतना दूर में पुट्टी भर के कर देने से वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा सनमाइका लगा देना ठीक है, वो क्या है पैसा खर्चा कम होगा। अगर इसमें टाली चेंज करवाएंगे तो आपको ये चार टाली को निकालना पड़ेगा, सब कॉर्नर का। तो टाली नहीं निकाल के हम लोग सनमाइका लगा दे रहे हैं। में जो गैप रहता है वहाँ पर हम लोग मसाला भी भर दे रहे हैं, जिससे कि लगाने टाइम वो क्रैक ना हो जाए। इसके लिए उसमें मसाला भर के पूरा प्लेन कर देंगे हम लोगों, देखिए ऐसा करके प्लेन कर देंगे। देखिए ये पूरा सीमेंट से भर दिए, जिससे कि ये डब डब ना करें। यहाँ हल्का सा क्रैक दाग हुआ है, जिसको हम लोग सनमाइका से कवर करेंगे। इसका स्क्रू पहले का ये वाला था, जो बोर्ड का साथ आता है वो बहुत छोटा रहता है, जो कि अभी छोटा हो जाएगा। तो अभी हम लोग को इसमें अभी ब्लैक स्क्रू का यूज करना पड़ेगा, जो ऐसा होता है जिसको जिप्सन स्क्रू कहते हैं। और यही वाला आपका एक बार में थ्रेड फुल थ्रेड है, आराम से टाइट होगा। तब हम लोग को बड़ा स्क्रू का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा करके हम लोग सब बोर्ड में पहले मार देंगे। इस आरी का मदद से हम इसको काट रहे हैं। एक हिस्सा हम काट चुके हैं, देखिए ग्राइंडर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम आरी से ही काट दे रहे हैं। इसको पहले काट के साइज करते फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हमने इसे आरी से काट दिया है। अभी इसका जो किनारा है इसको थोड़ा थोड़ा घस देंगे फाइल से, ये राउंड राउंड शेप में आ जाएगा। अगर थोड़ा छोटा बड़ा होगा तो उसको फाइल से घस के प्लेन कर देना है। अभी हम इसका किनारा राउंड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने राउंड शेप कर दिया है, किनारा देखिए सेम टू सेम वैसे ही बोर्ड दिख रहा है जितना बड़ा लगा था। ये था 9x11 का सनमाइका सीट। इसको काटने का कारण ये था कि अगर हम बोर्ड लगाने के बाद एक्स्ट्रा बहुत निकल रहा था, इसलिए हम इसको काट दिए। सनमाइका ये वाइट तरफ भी लगा सकते हैं, और ये दूसरा कलर है देखिए, जो सनमाइका का कलर है पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग इसको इस तरफ से काटेंगे और पलटी करके लगा देंगे। देखिए हम मार्किंग कर लिए हैं और लगाना ऐसा है, लेकिन यहाँ पे मार्किंग का पेंसिल का धागी दिखेगा भूल के हम लोग इसी में पेंट मारेंगे। इधर से मारने से दिखेगा नहीं, इसीलिए
इधर तरफ से कटिंग कर लेते हैं, लगाना होगा तो हम घुमा के ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं, कटिंग यहाँ से कर लेंगे, दिखाई दे रहा है ऐसे कट गया है, हम लोग उसको नाप लिए हैं उस हिसाब से। और ये 12 का, और ये 12 का बोर्ड देखिए, इसमें मस्त अच्छी तरीके से घुस जा रहा है। अब हम इसको टाइट करेंगे और वहाँ जाके लगा के आपको दिखाएंगे, और इसी तरीके से हम सारा बोर्ड को लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आरी से ऐसे कट रहा है, और इसमें काम जी की कटिंग हो गया, फिर यहाँ एक तो हो गया, ये भी पलटी होके लगेगा, ये सब पलटी होके लगेगा। अरे काट रहा था उसको लगाने का कारण ये है, उस पर टाइट करने का, क्योंकि अगर एक कर सकते सनमाइका को यहाँ यहाँ चारों तरफ में टाइट करके भी कर सकते हैं, जब बड़ा ज़्यादा हो जाता है। जब अभी बोर्ड अच्छा है हम लोग का, तो हम लोग यहाँ ड्रिल इसलिए नहीं करेंगे, हम लोग उन बिना ड्रिल का हम लोग उस करके लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग बोर्ड को लगा दिए हैं, देखिए इसको टाइट कर दिया, अब इसको सीधा देख लेंगे ऊपर से और इसको टाइट कर देंगे। देखिए जीरो जीरो, हाँ टाइट कर दो, ये जीरो जीरो लेवल वाटर लेवल में हो गया है। वाटर लेवल होने के बाद हम इसको टाइट कर लेंगे पूरा अच्छा तरीके से। और इसका ढक्कन लगा देने में, देखिए इसका ढक्कन लगेगा, देखिए पता भी नहीं चल रहा है, हम लोग लगा दिए, ये कलर का है और एक उधर वाइट लगाए हैं, इसको सैंपल में पलटी कर दिया जाएगा और एक बोर्ड वहाँ पे लगेगा। दूसरा उपाय जो हम बोले सनमाइका में ड्रिल करके टाइट कर सकते हैं भी है, डायरेक्ट लगाए हैं, ज़्यादा झोल झाल नहीं करना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।